आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद कर्नल अजय कोठियाल शुक्रवार शाम पहली बार कुमाऊं मंडल मुख्यालय नैनीताल पहुंचे। यहां अपने चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने सुबह नगर की आराध्य देवी माता नैना के मंदिर से की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और शिवालय में जलाभिषेक किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने पार्टी पर अन्य राजनीतिक दलों से हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ने और नैना देवी मंदिर से रोजगार गारंटी योजना पर चुनाव अभियान करने की शुरुआत की बात कही। साथ ही लगे हाथ उत्तराखंड को राज्य की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के स्टैंड पर भी बात की। आगे उनका नगर में चुनावी रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। देखें विस्तृत समाचार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नवीन समाचार के लिंक पर। धन्यवाद। सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जब हम सरकार में आएंगे तो कैसे जो बिंदु हम बोल रहे हैं उस पर ज़मीन पे कैसे अमल करेंगे, और उसके लिए जगह जगह जाकर के पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता ये जो पॉइंट्स हैं लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से एडवाइस ले रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको और चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। आज 300 यूनिट बिजली के बाद में जो आम आदमी पार्टी ने पहला कैंपेन चलाया था, आज एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हो रहा है रोजगारी देने के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी सोच बनाती है और वो युद्ध जो कि इतना आसान नहीं है, और उसी के आशीर्वाद लेने के लिए आज देवी के मंदिर में या प्रांगण में पूरी टीम आ रखी है, और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी जो पूरे 70 विधानसभाओं को टच करेगी। उसी के बीच में और भी जो पॉइंट्स आएंगे उनको लॉजिकली कैसे ग्राउंड पे करना है वो अमल करा। रोजगारों के अधिकार के तहत जानकारी मिली है और भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर दिल्ली में भी 27% युवा है वो बेरोजगार है। उस जो गलत जानकारी है, ये रिपोर्ट है सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी है उसमें केवल 400 लोगों को रोजगार। क्या होता है ये ना, ये नैरेटिव बनाए जाते हैं आज, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग तरीके से उत्तराखंड में अपनी जो एंट्री कर रही है तो उसमें क्या होता है हर चीज़ आम आदमी पार्टी के बारे में बोली जाएगी। अभी तो देखो पार्टी इलेक्शन भी नहीं लड़ी है, बीजेपी भी पार्टी को टारगेट कर रही है, कांग्रेस भी पार्टी को टारगेट कर रही है, और जनता को ये पता है इस तरीके के मुद्दे जो है बताए जा रहे हैं जनता को। लेकिन आप ये देखो दोनों तरफ से अगर गोलियां आम आदमी पार्टी की तरफ चल रही है जो कि अभी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनी है, यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा है, इसका मतलब बहुत सही चल रहा है। और ये जो हमने घोषणाएँ करी हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी आए थे अभी कुछ दिन पहले 19 तारीख को हल्द्वानी में, उसका अब कैंपेन शुरू हो रहा है और आपको ना सबको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि वाकई में हम जमीन पे इसको कैसे अमल करें। 22 के चुनाव में क्या चुनौतियां हैं, 22 के चुनाव के लिए कौन कौन चुनौतियां हैं? उत्तराखंड में जो बेरोजगारों के लिए रोजगार की तलाश की जा रही है उसको किस तरीके से वो करेंगे, क्या उसके लिए नए वो लगेंगे उद्योग? देखो उत्तराखंड तो एक मतलब खुद ही बहुत बड़ा उद्योग है, हिमालय यहाँ पे, गंगा यहाँ पे, चारधाम यहाँ पे। आज आप देखो नैनीताल कितना बड़ा अट्रैक्शन है पूरी दुनिया का। आज यहाँ पे देखो थोड़ा ऊपर चले जाओ, न्याय का देवता बोलते हैं गुलजू देवता, लोगों की भावना है उसके तरफ। हमारे संस्कार इस तरीके से हैं कि यहाँ तो हर चीज़ इतनी बड़ी बड़ी रिसोर्सेज हैं, हमने खाली उसको यूज़ करना है, सही तरीके से यूटिलाइज करना है, जिसको कि हम बोल रहे हैं हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी पूरे विश्व भर में। अब वो खाली बोल नहीं रहे हैं, उसके लिए हम कानून बना रहे हैं और वो कानून सबके सामने लेकर के आएंगे किस तरीके से इससे उत्तराखंड का फायदा होगा, किस तरीके से यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके ना दिल को और पावन फीलिंग होगी। आजकल हम मिल रहे हैं हरिद्वार में योगियों से, वो भी हमको बोल रहे हैं कि आकर के हमसे डिस्कस करो, बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं, और वो कुछ दिनों में देखना वो सुझाव हम सबके साथ में शेयर भी करेंगे।